बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। स्टूडेंट्स, टुडे अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, वो है माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमने अपनी फिजिकल क्लासेस में स्टार्ट कर लिया था। पूरा जो है वो एक चैप्टर हमारा कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो जो चैप्टर नंबर 1 था, आपको मैंने प्रीवियस उसमें लेक्चर में भी बोला था कि आप लोगों ने अपना नोट्स अपने सामने रखने हैं। तो जो पहला चैप्टर था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस किया था। उसके अंदर जो है हमने स्टडी किया था कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। फिर हमने पूछा, हमने डिस्कस किया था कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशंस जो हैं, इसका यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर है। फिर हमने थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशंस के अलावा उसकी ब्रांचेस भी स्टडी की थी और थोड़ा सा हिस्ट्री देख ली थी, ठीक है। तो अब जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी हमने स्टार्ट कर लिया था फिज़िकल क्लास में। तो इसको थोड़ा सा मैं स्टार्ट कराने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टडी क्या किया था। हमने थोड़ा सा माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। तो माइक्रोब्स के हवाले से हमने ये स्टडी किया था कि इसमें माइक्रोब्स होते क्या हैं। तो माइक्रोब्स कौन से थे, हमने कहा था दोज ऑर्गेनिज़म्स डेट आर इनविजिबल टू नेकेड आई, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो आम आँख से हमको नज़र नहीं आते, ये हमने स्टडी किया था। फिर हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स में हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया था और मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल में हमने फंजाई पढ़ ली थी, फंजाई, एल्जी, ये थे हमारे मल्टी सेलुलर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। प्रो का मतलब मैंने आपको बताया था बिफोर, और कैरियन का मतलब मैंने बताया था न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स हमने कहा था वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, ठीक है। फिर हमारे पास यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में हमने स्टडी किया था कि दीज आर द ऑर्गेनिज़म्स डैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, कि इनके पास न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी किया था बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे वो था डिस्कवरी, कि बैक्टीरिया डिस्कवर कैसे हुआ था। और उसके बाद हमने स्टडी कर लिया था कि बैक्टीरिया की अकरेंस कहाँ कहाँ पर होती है। बैक्टीरिया की अकरेंस स्टूडेंट्स हमें पता है कहाँ होती है भला, कि हमने कहा था दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये अर्थ सॉइल पर, इस तरीके से एयर में, वाटर में, अगर आपका इन्वायरमेंट एसिडिक है उसमें, अल्कलाइन है उसमें, सेलाइन है उसमें पाया जाता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने अपनी फिजिकल लेक्चर्स के अंदर अच्छे से हमने जो है वो पढ़ ली थी। फिर हमने थोड़ा सा बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। वहाँ हमने डिस्कस कर लिए थे साइक्रोफाइल्स और थर्मोफाइल्स। तो साइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया था कोल्ड होता है, तो जो बैक्टीरिया कोल्ड प्लेस में रहेंगे उनको हम साइक्रोफाइल बोलेंगे, और जो बैक्टीरिया हीट लवर्स होंगे या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करेंगे अप टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उनको हम कहेंगे थर्मोफाइल। थर्म मतलब हीट, फाइल मतलब लवर्स, तो दीज बैक्टीरिया आर हीट लवर्स। अच्छा, फिर हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था एरोबिक बैक्टीरिया, एन एरोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक होपफुली आपको सब क्लियर होगा। गो थ्रू चैप्टर इसलिए कराया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू आए थे वो भी थोड़ा फैमिलियर हो जाएं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें हमने स्टडी क्या करना है बेटा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर होगा बैक्टीरिया का। जो आपके नोट्स हैं उसमें एक डायग्राम बनी हुई है और उनको जो स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के सेल में उनको उन्होंने लेबल किया हुआ है और उसके जो है वो फंक्शंस बता दिए, ठीक है।
तो अब आप लोग अपने सामने नोट्स भी रखिएगा और पेन और रजिस्टर भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिंपलीफाई करने के लिए, आपको समझने के लिए जो हर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, उसको थोड़ा सा मैंने ना ये बताया है कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है, और फिर जो है वो हमने उसके थोड़े से फंक्शंस भी मैंने लिख दिए हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग स्लाइड जैसे जैसे चलेगी आपने पहले समझ लेना है, फिर नोट डाउन भी कर लेना है। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों के पास अपने नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको पढ़ना हो, कोई आपका क्लास में टेस्ट हो, तो आप जो है वो इजीली प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नोमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर जो हमारे पास पहला है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल का हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। कैप्सूल होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड, पिलाई और फ्लैजेला। तो मैं ये तमाम स्ट्रक्चर्स के नेम दोबारा बोल रही हूँ ताकि किसी को प्रोनंसिएशन इशू है तो वो ख़त्म हो जाए। तो कौन सा है स्ट्रक्चर? कैप्सूल, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर राइबोसोम्स, फिर न्यूक्लियोइड, फिर पिलाई और फिर फ्लैजेला। ऑलमोस्ट मैंने इनकी तरतीब कुछ इस तरह से रखी है कि आप जब इसको पढ़ो तो एक स्ट्रक्चर के बाद अगला स्ट्रक्चर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये था तो इसके स्ट्रक्चर से बैक्टीरिया सेल के। अब हमारे पास स्टूडेंट्स, जो आपके सामने डायग्राम आपको शो हो रही है, ये एक सिंपल सी टिपिकल बैक्टीरियल सेल की डायग्राम है। तो अब आप स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो कि इसका जो सबसे बाहर, ये जो आपको पिंक कलर का एक पार्ट नज़र आ रहा है, लाइट पिंक कलर का बाहर, इसको बेटा हम कहते हैं कैप्सूल। सबसे बाहर वाली कवरिंग जो आपको शो हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। ठीक है स्टूडेंट्स, कैप्सूल से अगर हम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो फिर जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है सेल वॉल का। फिर आप सेल वॉल से जब हम अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास देखो स्ट्रक्चर आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर जब हम साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये है राइबोसोम। ठीक है, ये देखिए राइबोसोम्स के बारे में हमने स्टडी क्या किया था कि ये प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। उसके बाद है हमारे पास, ये देखें, ये इसका सर्कुलर सा डीएनए होता है बैक्टीरिया का। आपके जहन में रखना है कि बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए होता है, आप देखो किस तरीके से ये सर्कुलर फॉर्म में है, लीनियर नहीं है, सीधा नहीं है। लेकिन जो हमारा डीएनए होता है इंसानों का, वो लीनियर होता है, सीधा होता है। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और स्टूडेंट जिस एरिया में ये डीएनए है, डीएनए बेसिकली मैंने आपको बताया था एक जेनेटिक मटेरियल है ना, तो जिस एरिया में ये डीएनए है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। उस रीजन को जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, फिर ये जो आपको अपना विस्कस साइट मटेरियल नज़र आ रहा है, वाटरी सा मटेरियल नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये आपने स्टडी हमने किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ होता है साइटोप्लाज्म को, उसको वो पूरा जो है वो कवर किया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पिंक कलर की ये जो थोड़ी सी एक्सटेंशन नज़र आ रही हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं पिलाई, इनको हम कहते हैं पिलाई। अब आप कहोगे यहाँ तो पाइलस लिखा हुआ है, तो बेटा अगर ये सिंगुलर होगा तो ये पाइलस कहलाएगा, अगर ये आप इसको इकट्ठा बोलोगे तो ये पिलाई कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पिलाई होते हैं, ये फिलामेंट्स होते हैं जो सेल डिवीजन को हेल्प करते हैं, यानी जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें जो पिलाई है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कह लो कि एक बैक्टीरिया ने अपना मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में यानी एक्सचेंज करना हो, तो भी पिलाई जो है वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसका फिर हम फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमने टू द पॉइंट रहना है कि पिलाई जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये फिलामेंट्स होते हैं जो सेल डिवीजन और कॉन्जुगेशन को प्रमोट करते हैं।
ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक ये जो बिल्कुल प्रोजेक्शन निकल रही है, ये एक एक्सटेंशन निकल रही है, इसको हम कहते हैं फ्लैजेलम। ठीक है, तो इसका हिसाब भी पायरस की तरह होता है कि अगर ये एक है जैसे तो इसको हम फ्लैजेलम कह रहे हैं, और अगर ये काफ़ी ज़्यादा होंगे तो हम इनको फ्लैजेला कहेंगे। तो होपफुली आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पूरा सेल आपके सामने है और एक एक जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट एक ये भी होगी कि जब आप लोग बैक्टीरिया के बारे में अपने नोट्स बनाओगे तो आपने ये वाली डायग्राम बना लेनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये बहुत ईजी और इसमें तमाम जो इसके स्ट्रक्चर हैं वो कवर हो रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के। तो इसको जो है वो आपने स्टडी कर, ये है टिपिकल बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर। उसके बाद है हमारे पास बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, कि अब हमने बैक्टीरियल सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले है कैप्सूल। तो कैप्सूल इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल किसका बना हुआ होता है? पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, डेट कवर द सेल वॉल, जिसने सेल वॉल को कवर किया हुआ होता है। ये देखिए कैप्सूल है हमारे पास ये वाला, इसने किसको कवर किया हुआ है? सेल वॉल, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, यानी तबाही से बचाता है ये बैक्टीरियल सेल को, एंड इंजेशन बाय वाइट ब्लड सेल। तो ये हम 9-10 क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल मटीरियल चला जाए, कोई ऐसी चीज़ जो बॉडी को नुकसान पहुँचा रही है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये उसको निगल लेता है, ठीक है ना। जो ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, उनको निगल लेते हैं। तो अब बैक्टीरिया को उस प्रोसेस से बचाने के लिए कि जो वाइट ब्लड सेल है वो इसको इनगल्फ ना करें, इसको मतलब फैगोसाइटोस ना करें, अपने अंदर ना ले जाएं, ठीक है। तो उससे कौन बचा रहा है? कैप्सूल। ये ना स्लिपरी होता है, तो जब ये स्लिपरी सा होता है ना तो ये इजीली जो वाइट ब्लड सेल हैं वो बैक्टीरिया को इंगल्फ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू एडहेयर टू सरफेसेस। एडहेयर का मतलब होता है अटैच, यानी अगर बैक्टीरिया ने किसी सरफेस पर, किसी सतह पर आकर अटैच होना है तो उसमें भी उसका कौन हेल्प करेगा? कैप्सूल। अब डेफिनेटली सी बात है ना कि जब बाहर ही सबसे बाहर जो चीज़ है वो कैप्सूल है, तो अगर बैक्टीरिया ने किसी स्ट्रक्चर से या किसी सरफेस से अटैच होना है तो उसको कौन हेल्प करेगा? यही कैप्सूल हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इसके फंक्शंस आ जाएंगे कि एक तो ये बैक्टीरियल सेल को बचाता है डिस्ट्रक्शन एंड इंजेशन बाय वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स के प्रोटेक्टर है कि वाइट ब्लड सेल इसको फैगोसाइटोस ना कर ले, अपने अंदर निगल ना ले, ठीक है। दूसरा, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू एडहेयर टू सरफेसेस, कि ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि सरफेसेस के साथ अटैच हो जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सेल वॉल। तो बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये कौन से उसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। कैप्सूल हमारा बना हुआ था पॉलीसेकेराइड का, और सेल वॉल हमारी बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की। इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इसने किसको सराउंड किया हुआ होता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को। ये देखें, अब ये हमारे पास सेल वॉल है, तो सेल वॉल के अंदर आप चले तो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इसको इससे सराउंड किया हुआ होता है, यानी सेल वॉल के फौरन बाद क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या होगा सेल वॉल का? इट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन सेल शेप। ये ना थोड़ी रिजिड होती है, सख्त होती है, तो ये जो सेल होती है उसकी शेप को मेंटेन कर लेती है, ठीक है। एक इसका फंक्शन कर लेंगे और थोड़ा सा बता देंगे कि ये बनी हुई किस चीज़ की है। तो किस किस की बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि यही सेल वॉल जो है वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का टारगेट भी होती है, यानी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इस सेल वॉल को डैमेज कर देती है, तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर है सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया ने किल हो जाना है, और जो हम पेशेंट है जिसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है वो भी सेहतयाब हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का टारगेट यही सेल वॉल होती है, ये बात आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स। तो आपको याद होगा फिजियोलॉजी में हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी की थी तो उसमें हमने बताया था कि ये जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर होती है,
ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हेड होता है और एक टेल होती है, और इसमें प्रोटीन्स क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, यानी कि घुसी हुई होती हैं, और इसको दूसरा नाम क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स का आपको अच्छे से पता है, और प्रोटीन्स के अंदर ये इसके प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो ये आपको बताया था कि ये क्या होती है, सेमी परमीएबल होती है, मटीरियल आ रहा है अंदर या फिर बाहर जा रहा है उसको कंट्रोल कौन करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको इस तरह समझाया था कि घर के बाहर एक गार्ड बैठा होता है, वो गार्ड देख रहा होता है कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही गार्ड होती है, ये कंट्रोल करती है कि कौन सा मटीरियल सेल के अंदर जा रहा है और कौन सा मटीरियल सेल के बाहर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंपोजिशन अच्छे से याद रख लेनी है कि जो हमने फर्स्ट स्टडी किया कैप्सूल, तो वो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, फिर हमने स्टडी किया सेल वॉल, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, और फिर हमने स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड, तो इट इज़ एन इररेगुलर शेप रीजन विद इन प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक सेल डेट कंटेन ऑल और मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, जिसमें तकरीबन सारा या फिर आप कह लो सारा या तकरीबन सारा, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल होता है, और जेनेटिक मटीरियल का मैंने आपको बताया था यही ये जो डीएनए है ये जेनेटिक मटीरियल है, तो इसकी यानी वो वाला एरिया जिसमें ये जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर, ठीक है। और इसका फंक्शन है, इट इज़ इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटी ऑफ सेल एंड रेप्लिकेशन, कि ये सेल को एक्टिविटी सेल की जो कंट्रोल कर रहा होता है, फिर जो रेप्लिकेशन हो रही होती है बैक्टीरिया की, मैंने आपको पता कि एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें इसका रोल होता है न्यूक्लियाइड का, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली, क्योंकि इसी के अंदर तो वो जेनेटिक मटीरियल है जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को सेल की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, ये स्मॉल से छोटे छोटे से ना डीएनए अलग तो होता है पूरा यानी कि सर्कुलर, ये जो है ना उसके छोटे छोटे से आप कह लो टुकड़े होते हैं गोल गोल से, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाए थे, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, और ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और भी सेल्स में होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, दे कैरी द जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गया है, यानी उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही, तो वो अपने किस स्ट्रक्चर की वजह से रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करती, वो उसके खिलाफ मुजाहमत प्रोड्यूस कर लेता है, रेजिस्टेंस का मतलब मुजाहमत, वो होते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। अच्छा, ये तो इनका रोल हो गया बैक्टीरिया के लिए, हमारे लिए प्लाज्मिड्स का रोल मैंने आपको बताया था, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं, तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे फिर हम फर्दर प्लाज्मिड्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी तक के लिए इतना ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये स्मॉल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए होते हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एंड प्लाज्मिड्स कैरी द जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और उनके पास जीन्स होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फ्लैजेला, तो फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, डेट कंटेन द प्रोटीन फ्लैजेला, अब ये जहन में रख लेने आपने। अब देखो यहाँ पर जो इसकी कंपोजिशन है, फ्लैजेला किससे मिलकर बना हुआ है, एक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम फ्लैजेलम कह रहे हैं। तो अब मैंने फ्लैजेला कहा है, आपकी अगर टॉपिक में या कहीं आप पढ़ो फ्लैजेलम, तो उसका डिस्टर्ब, जैसे हमने जो डायग्राम देखी थी अपनी फर्स्ट पे, इस पर लिखा हुआ है फ्लैजेलम, तो ये घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है, अगर ये एक होगा तो ये फ्लैजेलम होगा, और अगर ये काफ़ी ज़्यादा होंगे तो ये क्या होंगे, फ्लैजेला होंगे, ठीक है। आगे जब हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला भी होगी, कि किसी के अंदर एक फ्लैजेला होता है, किसी के अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, किसी बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैजेला होते हैं, तो हम उसके मुताबिक भी उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लैजेला आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, लोकोमोशन किसको कहते हैं, यानी जब बैक्टीरिया ने मूव करना हो, हरकत करनी हो, तो किसकी मदद से हरकत करेगा, फ्लैजेला की मदद से, ठीक है। ये जिस तरह से यानी कि फ्लैजेला मूव करेगा और फिर उसकी मदद से बैक्टीरिया कहीं भी आगे हरकत कर सकता है। अब जो एक और इसका फंक्शन है,
वो आप नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया कि इसके अलावा आपको इसका कोई फंक्शन पता है तो जी। ये ना जब बैक्टीरिया के लिए कोई केमिकल होता है जिससे बैक्टीरिया ने या तो उसकी तरफ जाना हो या उसकी से दूर जाना हो, तो अब बैक्टीरिया कैसे डिटेक्ट करेगा कि केमिकल मौजूद है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये फ्लैजेला जो है ये सेंसरी स्ट्रक्चर भी है, यानी ये सेंस कर लेता है किसी भी केमिकल को, ठीक है, केमिकल को भी सेंस कर लेगा कि इसके इर्द-गिर्द कौन सा केमिकल है या कोई केमिकल है। दूसरा ये टेम्परेचर को भी सेंस कर लेगा कि टेम्परेचर कितना हाई है। अब जाहिर सी बात है मैंने आपको तो पहले थोड़ा सा इसलिए बताया था कि कुछ बैक्टीरिया हीट लवर्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कोल्ड लवर्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, यही फ्लैजेला इसमें रोल प्ले करते हैं, फ्लैजेला सेंस करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्लैजेला सेंस करते हैं टेम्परेचर को और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो बैक्टीरिया अडेप्ट कर लेते हैं कि कौन सा हार्श कंडीशन को बहुत ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं और कौन बहुत ज़्यादा गर्मी जो है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्लैजेला के हवाले से। तो थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्स को देख लिया, उनके नाम हमने देख लिए, उसके बाद हमने इसकी एक जो है वो डायग्राम देख ली बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, किंगडम है इसकी मोनेरा। फिर हमने इसका जो है वो कैप्सूल देख लिया कि इससे कैप्सूल होता है जो पॉलीसेक्राइड का बना हुआ है और वो प्रोटेक्शन कर रहा है फैगोसाइटोसिस से और एडहेयर करवा रहा है, अटैच करवा रहा है। अब यहाँ मैंने वर्ड एडहेयर बोला है तो आप लिख दो कि इसका मतलब होता है अटैच। उसके बाद नेक्स्ट ये सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, और इससे सराउंड किया हुआ होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये प्रोटेक्ट एंड मेंटेन सेल शेप। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, वो हमने बहुत अच्छे से फिजिकल क्लास में पढ़ा हुआ था। फिर न्यूक्लियोइड है हमारे पास, वो एरिया जहाँ पर जेनेटिक मटीरियल होगा। उसके बाद प्लाज्मिड्स ये वेक्टर के तौर पे काम करते हैं, ये हमारे लिए मुफीद है बायोटेक्नोलॉजी में। बैक्टीरिया के अंदर ये कहाँ मुफीद है कि बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंस आती है एंटीबायोटिक्स की, वो उस रेजिस्टेंस वाली जो जीन होती है वो इसी प्लाज्मिड के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फ्लैजेला, फ्लैजेला कहाँ यूज़ होते हैं, हरकत करने के लिए। दूसरा ये सेंस कर लेते हैं टेम्परेचर को भी और केमिकल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तक यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वही बात कि हम एंड में इंशाल्लाह एक मीटिंग में इसको डिस्कस कर लेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको बैक्टीरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आपके नोट्स में एज सच उसका गिवन नहीं है, यानी उन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं, तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि ये जो बातें हैं ये थोड़ा सा आप अपना नोट्स बना लें, लिख लें, ताकि आपको याद करने में जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है। तो क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन की तरफ स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक अगर फिर अगेन कह रही हूँ किसी को कोई इशू हो तो वो ज़रूर नोट डाउन कर लें और फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।